केरला स्टोरी जैसा, उन पर नसीरुद्दीन शाह नहीं बोलेंगे, उन पर कोई बात नहीं करेंगे, उन भाइयों के साथ क्या हो रहा है जिनकी बहनें केरला स्टोरी जैसी शिकार हो चुकी हैं, उन बापों के ऊपर क्या हो रहा है, समाज में नहीं निकल पा रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं, आंख उठाकर नहीं चल पा रहे हैं, कितने लोग ऐसे आत्महत्या कर लेते। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि केरला स्टोरी जैसी फिल्में गलत बन रही है, इससे गलत संदेश जा रहा है, गलत ट्रेंड जा रहा है। केरला स्टोरी जैसी हो रही है, हर गली में हो रही केरला स्टोरी जीवंत हो रही है, जो सच्चाई दिखाई जा रही, जो सच दिख रहा है, जो बीत रहा है, जो बेटियों पे बीत रहा है, जो बहनों पे बीत रहा है, उन पिताओं पे बीत रहा है, उन भाइयों पे बीत रहा है, उन चाचाओं पे बीत रहा है, उन मामाओं पे बीत रहा है, केरला स्टोरी जैसा, उन पर नसीरुद्दीन शाह नहीं बोलेंगे, उन पर कोई बात नहीं करेंगे, उन भाइयों के साथ क्या हो रहा है जिनकी बहनें केरला स्टोरी जैसी शिकार हो चुकी हैं, उन बापों के ऊपर क्या हो रहा है, समाज में नहीं निकल पा रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं, आंख उठाकर नहीं चल पा रहे हैं, कितने लोग ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं, कितने भाई आत्महत्या कर लेते हैं ऐसी फिल्मों की सच्चाई को देखकर। सबसे बड़ी बात तो नसीरुद्दीन शाह ने देखनी फिल्म, उसके बाद आलोचना कर, देखी नहीं ना, इसीलिए देखी है उन्होंने, वो कहना नहीं चाहते, उन्होंने तो कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जो चीज को ऐसा कहना नहीं चाहिए, वो अच्छे कलाकार थे, मैं उनका बड़ा आदर करता था, लेकिन वो अगर ऐसा कह रहे हैं, देख केरला स्टोरी नहीं है, वो एक केरला की स्टोरी नहीं है, वो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी कश्मीर से हर गली गली की स्टोरी है, जहां ऐसा हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, इसीलिए मैंने अभी नेशनल वाइड एक कानून बनाया है, स्पेशल कानून बनाया है, बिल, इस बिल को बना के दिया है, जो कानून के रूप में परिवर्तित होगा, और उस पर राजस्थान के आदरणीय सांसद राजेंद्र गहलोत जी, डॉक्टर मनोज राजौरिया जी सांसद हैं माननीय, ये सब लोग उस पर स्पेशल बिल के रूप में नए संसद में चर्चा करेंगे, और हमने उसमें बिल में जो उत्तर प्रदेश का कानून है, उत्तराखंड का कानून है, गुजरात का, उन सबको कोट करके समाहित करके बनाया है, क्योंकि राज्य तो इस लव जिहाद पर कानून बना रही हैं, अब दिल्ली सरकार में नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार में कई अन्य राज्यों के लोग भी आके यहाँ ऐसा घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यहां भी कानून होता तो यहां ऐसी नहीं होती बात। अब देखिए, आप रुद्राक्ष पहने हुए, भोले बाबा का रूप, भोले बाबा ने ये किया था, रुद्राक्ष का रूप पहनकर कलावा बांधकर भ्रमित करना, ये धोखा है, ये छल है, ये फ्रॉड है, ये चीटिंग है, ये धर्म नहीं है। मुस्लिम धर्म कभी नहीं कहता आप धोखे से ऐसे करके किसी को भ्रमित करिए, हिंदू धर्म कभी नहीं कहता किसी को गुमराह करिए, धोखा करिए, छल करिए, चीटिंग फ्रॉड है ये, जो हमारे देश में बहुत तेजी से पनप रहा है। सब धर्मों की अपनी मान्यता है, सब धर्मों का सम्मान है, ये विकृत मानसिकता के लोग ऐसे हो चुके हैं जो इस तरह से ऐसे कार्य करके अपनी। फिर नसीरुद्दीन शाह क्यों कह रहे हैं इस तरह की चीजें, और वो कहते हैं कि देखे भी नहीं, फिर कह रहे हैं कि नाजीम की तरफ चल रहा, जर्मनी और नाजियों के बीच जो हुआ था उस तरह का चल। उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, कोई पीड़ा हो सकती है, उनका दर्द हो सकता है, उनके यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन नहीं, नसीरुद्दीन शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज को बैलेंस बनाना चाहिए, दिशा देनी चाहिए, अगर उन्हें लोग नायक के रूप में देखते हैं तो उन्हें अपने समाज के लोगों से कहना चाहिए, साथियों मत करो ऐसा, मत दूसरे धर्म की बहन बेटी को ऐसा समझो, कुरान गीता उपनिषद वेद बाइबिल गुरु ग्रंथ साहब कहीं नहीं कहते हैं कि दूसरे की बहन बेटी को ऐसा अपमानित करो, इतना टॉर्चर करो, इतना परेशान करो, उसके साथ छल करो, धोखा करो, फ्रॉड करो, प्यार का ड्रामा नचाओ, प्यार को पवित्र रहने दो, प्यार बहुत पवित्र भाषा है, उसके साथ इतना अपमान मत करिए, धोखा मत करिए, ये कहना चाहिए था, करो ये कहना चाहिए था, ये सच्चाई थी, उनसे लोग मुझसे ये चाहते थे, ऐसा कहते थे, उसका असर भी करो, सुधरो, कहीं नहीं लिखा है हमारे मुस्लिम धर्म में, मत मुस्लिम धर्म को बदनाम होने दो, बचा लो, अभी भी समय है, बचा लो, बदनाम हो जाएगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा टूटता है आदमी, भरोसे का खून कभी किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुस्लिम धर्म की बहुत पवित्र पराकाष्ठा रही है, बहुत बलिदानी रहा है, बहुत समग्र रहा है, जीवंत रहा है, उसको वैसा ही बने रहने देना चाहिए, ये चीज उचित नहीं हो रही समाज में। पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरह से हावी हो गई,
यानी मुस्लिम समाज के जो सीनियर लोग हैं या नसरुद्दीन शाह जैसे लोग हैं वो भी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी वो जिम्मेदार देश के नागरिक होना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। उन्हें पाश्चात्य सभ्यता पे बुके खिलाफ बोलते मुझे अच्छा लगता, वो वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हक डे के खिलाफ बोलते हमें अच्छा लगता, वो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना की बात कहते मुझे अच्छा लगता, वो कहते धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। वो अपनी देश की बहन बेटियों, सब धर्मों की बहन बेटियों से कहते कि मैं सब धर्मों की बहन बेटियों से कह रहा हूं, अपने माता पिता पर भरोसा करो, अपने भाइयों पर भरोसा करो, मत भटको, मत रास्ते से भटको, मत अपने निर्णय लेने की आजादी का दुरुपयोग करो। तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने पढ़ने के लिए आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है, बाहर दी है, उन्हें मत ऐसा करो। अगर तुम्हें बेटी बढ़ाया है, बेटी बचाया है, बेटी को पढ़ाया है, तो उसे अपने अधिकारों को भी मां बाप को रहने दीजिए, उसको चलने दीजिए। धन्यवाद वकील साहब।